हेलो दोस्तों, श्री गणेश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे घर पर किस तरीके से धनिया पाउडर बनाया जा सकता है। वैसे तो मार्केट से भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैं आपको घर पे धनिया पाउडर बनाना सिखाऊंगी। सो चलिए देखिए, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ साबुत धनिया चाहिए। ये मैंने 500 ग्राम धनिया लिया था, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने इसे एक दिन की धूप में रख के इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसे 3-4 मिनट के लिए कढ़ाई में डालकर हल्का रोस्ट कर लें, और फिर इससे धनिया पाउडर बड़ी आसानी से बन जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक चाहिए मिक्सी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये धनिया पाउडर बनाऊंगी। देखिए, मैंने 2-3 मिनट मिक्सी को चलाया था, बंद कर दिया है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमें थोड़ा और मिक्सी को चलाना होगा। अभी धनिया पाउडर हमारा अच्छी तरह से नहीं बना। एक बार फिर वापस बंद कर देते हैं और मिक्सी को 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे, जब तक ये अच्छा बारीक नहीं हो जाता, फिर चेक करेंगे। देखिए, मैंने अब मिक्सी को 2 मिनट चला के बंद कर दिया। अब चेक करते हैं। देखिए, धनिया पाउडर हमारा अच्छी तरह से पिस गया है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी का धनिया पाउडर भी हम इसी तरीके से ही मिक्सी में डालकर बनाएंगे। 2-3 मिनट मिक्सी को चलाएंगे, फिर चेक करेंगे। देखिए, इसे भी मैंने 2 मिनट चलाया, और चेक कर लेते हैं। इसे 2 मिनट और चलाऊंगी, फिर चेक करेंगे। देखिए, मैंने 2 मिनट मिक्सी को और चलाया और बंद कर दिया। अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए, ये भी हमारा अच्छी तरह से धनिया पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे भी उसी बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने धनिया पाउडर को एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही बढ़िया हमारा धनिया पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे चाहे तो आप किसी भी सूखी सब्जी में डालकर या ग्रेवी वाली सब्जी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।